अब तक आपने देखा कि रक्षाबंधन के दिन रचित की मम्मी पूरे परिवार को लेकर अपने भाई को राखी बांधने गांव जाती हैं, जहां पे रचित को उसके मामा का लड़का गुलगुला वापस से मिलता है और उसको बहुत परेशान करता है। फिर अच्छे से राखी वगैरह बांधने के बाद रचित के पापा वापस से घर जाने के लिए बोलते हैं, क्योंकि घर पे रचित की बुआ रचित के पापा को राखी बांधने के लिए इंतजार कर रही होती है। लेकिन फिर गुलगुला चुपचाप गाड़ी की चाबी गाड़ी में ही लॉक कर देता है और फिर सब लोग वहीं फंस जाते हैं। जिसने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है वो जाकर एपिसोड 1 देखो और अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। हरामखोर, क्या किया तूने ये? क्यों किया ऐसा? क्यों छोड़ी गाड़ी के अंदर चाबी? अब बता, मैं अपनी बहन से राखी कैसे बंधवाऊंगा? मेरी बहन मुझे राखी कैसे बांधेगी? कैसे बांधेगी? अरे पापा, मैंने क्या कर दिया? मेरी क्या गलती है? बकवास कर रहा है। मैंने चाबी तेरे को दी थी गाड़ी में से सामान लाने के लिए और तू गाड़ी के अंदर छोड़ के आ गया। अब खड़े हैं यहाँ पे, कैसे घर जाएंगे? बोल, कैसे घर जाएंगे? अरे अब हम घर कैसे जाएंगे? इसकी वजह से फंसे हैं, वरना अब तक पहुँच गए होते। महाराज चाबी छोड़ के आ गया, अब खड़े हैं यहाँ पे, कैसे घर जाएंगे? बोल, कैसे घर जाएंगे? बताओ हम घर कैसे जाएंगे? एक मिनट रुको मम्मी, यहाँ एक मिनट। मम्मी एक बात बताओ, आपने भी तो मामा को कई बार लेट राखी बांधी है और कई बार तो अगले दिन जा जाके राखी बांधी है। लगता है अपने बाप की पिटाई से बचने का प्लान कर रहा है, लेकिन आज इसे मैं छोड़ूंगा नहीं, इसका बाप। तो क्या फर्क पड़ गया अगर यहाँ पे हम फंस भी गए तो? देखो वैसे तो मैंने कुछ किया नहीं है, लेकिन मम्मी यही तो मौका है, पापा भी तो वो फील करे जो आप फील करते हो। बुआ जब पापा को लेट राखी बांधेंगी तब पापा को पता लगेगा ना कि मेरी मम्मी के दिल पे क्या बीतती है। सही कह रहा बेटा तू, मुझे पता है तेरे अंदर इतना दिमाग है, तू पक्का एक दिन दिल्ली का सीएम बनेगा। शाबाश, अब मैं देखती हूँ तेरे पापा को। दिल्ली में कुछ अद्भुत हो रहा है, दिसंबर के महीने में चमत्कार होने वाला है। अबे वहाँ क्या कर रहे हो, अब यहाँ आ जाओ। बेटा तूने क्या कर दिया? कोई जरूरत नहीं है मेरे बेटे का हाथ लगाने की, समझे? अरे क्या हो गया, अगर गाड़ी में चाबी रह गई तो? हाँ क्या हो गया पापा? मैं अपने घर और थोड़ा टाइम बिता लूंगी, और हर साल मैं अपने भाई को रात को राखी बांधती हूँ ना देर से, अब की बार तुम्हारी बहन देर से राखी बांध देगी तुम्हें तो क्या फर्क पड़ जाएगा? बहन का फोन आ गया। हाँ भाई, मैं 2 घंटे से खड़ी हूँ तेरे दरवाजे पर, कितनी देर में आ रहे है? अरे नहीं बहन जी, बस मैं मोड़ पे हूँ, देखो गाड़ी की आवाज आ रही है, पौ, पौ, पौ। ये किसकी आवाज है? ये कुछ नहीं बहन जी, वो बराबर से एक ट्रक गया था। अरे बहन जी ये सब छोड़ो, बस मैं पहुँच रहा हूँ, आ रहा हूँ। ऐसी तैसी कर रखी तुम्हारी बहन ने भी? ऐसी तैसी तो इसने मेरी कर रखी है। हे भगवान, कैसी औलाद दे दी मेरे को। अरे फूफा जी, अब टेंशन क्यों ले रहे हो, मैं हूँ ना। अब तेरे होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? वो पदोड़ा कहाँ है, मेरा मतलब है तेरा पप्पू बाप कहाँ है? पापा तो दादी को लेने गए हैं, दादी राखी बांधने के लिए गई थी ना। उसके भी होने से क्या ही फर्क पड़ता, अच्छा है गया साला। अरे तो और अच्छा हो गया, अब तो मेरी माँ और मेरा भाई दोनों आएंगे, मेरा अपने घर में और अच्छे से मन लगेगा, और थोड़ा रह लूंगी, आराम से ढूंढ लेंगे चाबी, क्या फर्क पड़ता है। अबे तुम यहाँ पर बेकार में टाइम खोटी मत करो, चल कुछ दिमाग लगा, जुगाड़ लगा, चाबी कैसे निकले गाड़ी में से, चल और तुम भी चलो। एक काम करो, स्केल लाओ, और एक नहीं 2 लाओ। A few inches later. अरे पापा ये कौन सी पाइथागोरस थ्योरम है? अरे बेटा ये मेरी थ्योरम है, अभी खोल दूंगा। अरे ये क्या फुनसुंग माउनू का भूत सवार है, इनके दिमाग में उतार दे इसे। चुप कर यार। अबे यार ये टेक्निक पुरानी हो गई, तुम अपने बालों की पिन दो।
पापा अब ये कौन सी टेक्निक है? ये मेरी टेक्निक है बेटा, अभी खुल जाएगा। अरे ये क्या है क्या इंजीनियर बने बैठे बेटा, ना बातें ना आता जाता कुछ है नहीं। ऐसे चुप कर रे। स्वाति बेटा सेफ्टी पिन दे। ये लो पापा। अरे बेटा किसी अच्छे मैकेनिक को बुला ला, इन्हें ना तक कुछ है। इसे चुप कर दे यार, चुप कर इसको। तेरे मायके में आके ऐसी तैसी हुई है मेरी। भाई यार सारे पैंतरे लगा लिए, कुछ हो ही नहीं रहा इसमें। अरे पापा मैंने ना यूट्यूब पे एक वीडियो देखी थी, इस शीशे पे बहुत सारी टेप लगा दो और उसको जोर से खींचो, एक सेकंड में शीशा खुल जाएगा देखना। अरे मेरी बेटी कितनी इंटेलिजेंट है, देख कितना दिमाग है इसमें, और एक ये निखट्टू, कुछ सीख ले इससे। वाह बेटे वाह, जा जल्दी से टेप ले गया, अभी ला रहा हूँ। A few inches later. और जोर से। भाई यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, मेरी गाड़ी का शीशा भी खराब करा दिया। जैसा निखट्टू बेटा ऐसी ही बेटी, दोनों को कुछ नहीं आता। हाँ बहन जी। अरे भाई एक घंटा और बीत चुका है, तू कब आ रहा है भाई, मैं मरने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं बहन ऐसा मत बोल, मैं आ रहा हूँ। क्या ना मेरी गाड़ी के आगे ना कुत्ता आगे मर गया, उसको दफन करके आ रहा हूँ। आ रहा हूँ बहन, मैं आ रहा हूँ। अरे अब कोई और तरीका है के नहीं जिससे चाबी निकल जाए, नहीं तो यहीं पर खड़े खड़े रात हो जाएगी। पापा मेरे पास एक आइडिया है। क्या? एक काम करते हैं, शीशे को फोड़ देते हैं, उसके बाद चाबी निकाल लेते हैं, शीशा तो नया लगवा लेंगे बाद में। हाँ बेटा ईंट मार। अभी लाता हूँ। ओए मेरी गाड़ी को हाथ भी लगाया ना, चारों हाथ पैर काट दूंगा, शीशा तोड़ेगा लाड साहब। अरे रचित भैया इधर आओ साइड में, आपसे ना एक जरूरी बात करनी है। मेरे से क्या इम्पोर्टेंट बात करनी है इसको, चल। ये गुलगुला एक तरफ क्यों ले गया, इसको क्या कर रहा है? रचित भैया मैं ना गाड़ी में से चाबी निकाल सकता हूँ, वो भी बिना शीशा तोड़े। क्या सच में? अरे भाई प्लीज निकाल दे यार, भाई तूने जिंदगी भर मेरे को इतना परेशान किया है, लेकिन कम से कम एक अच्छा काम तो कर दे, मेरी हेल्प कर दे यार, मेरा बाप मेरे को बहुत मारेगा, देख शाम के 6 बज चुके हैं, निकाल दे भाई प्लीज यार। वो तो मैं कर दूंगा, पर आप मेरे लिए क्या करोगे? भाई जो तू बोले। पहले मम्मी कसम खाओ, जो शर्त मैं रखूंगा वो पूरी करोगे? हाँ हाँ ठीक है तू बता क्या शर्त है तेरी। अरे भैया मुझे इस गांव में नहीं रहना, मैं परेशान हो चुका हूँ इन भैंसों से, इनके गोबरों से, और तो इस पूरे घर से। डेली गोबर उठवाते हैं भैया, ये नाजुक सा प्यारा सा गुलगुला गोबर उठाने के लिए बनाया क्या भैया? इतना प्यारा सा नाजुक सा गुलगुला डेली गोबर उठाता है, बताओ मैं गोबर उठाता हूँ मैं, देखो कितना दुगला पतला हो गया मैं। पर रचित इसकी बातों को इतना ध्यान से क्यों सुन रहा है? अच्छा चल ठीक है मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, चल। पहले कसम खाओ, मम्मी कसम खाओ। हाँ ठीक है माँ कसम, ठीक है चल। देख लेना भैया अगर आपने मम्मी कसम तोड़ी ना तो आपकी मम्मी भी ना मेरी मम्मी की तरह भाग जाएगी। अरे नहीं नहीं मैं कभी झूठी माँ कसम नहीं खाता। अच्छा ऐसा है क्या, तो फिर चलो। चल अभी आप यहीं पे रुको और बस मेरे को देखो। अरे बेवकूफ गाड़ी के नीचे घुस के तू शीशा कैसे खोलेगा? भैया वाइफ हियर व्हेन मैकेनिक गुलगुला इज हियर। अब देखो मैकेनिक गुलगुले का कमाल। ओपे ये कैसे खुल गया? हाथ की सफाई फूफा जी, हाथ की सफाई।
ये एक गेट ना खुला छोड़ देता हूँ इमरजेंसी के लिए, पता नहीं कब कहाँ काम आ जाए। चाबी रख दी गाड़ी के अंदर और गाड़ी कर दी लॉक। अब आएगी रचित भैया की शामत, मजे आएंगे। तो भाई बड़ी खतरनाक चीज है, मैं बता रहा हूँ बड़ा होके ये चोर बनेगा अपने बाप की तरह पक्का 420। अरे चुप करो ना, एक तो मेरे बेटे ने खोल दिया, ऊपर से उसे सुना रहे हो और मेरे भाई को भी उल्टा सीधा बोल रहे हो। अरे अब जल्दी चल लो, 7 बज चुके हैं, लेट हो जाएंगे फिर। और हाँ सही कह रहा है, 7 बज गए, पता नहीं मेरी बहन किस हाल में होगी, ना तो वो फोन कर रही ना फोन उठा रही, लगता नाराज हो गई, पता नहीं किस हाल में होगी वो। जल्दी बैठो, आओ बैठो 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 फटाफट बैठो, तू जल्दी बैठ ले। चलो पापा जल्दी चलाओ गाड़ी फटाफट से। अरे रचित भैया मैं भी तो हूँ। अबे तू कहाँ जा रहा है, तू क्या करेगा? अरे फूफा जी, रचित भैया ने बोला है मेरे को चलने को, मेरा तो कोई मन ही नहीं कर रहा था, इन्होंने जबरदस्ती बोला गुलगुले भाई तू चल ले, तेरे बिना मेरा मन ही लगता, तो मैंने भी सोचा चल ही लेता हूँ। बताओ रचित भैया, है ना? अरे यार इसने माँ कसम दे दी यार, अगर मैंने इसकी हेल्प नहीं करी तो मेरी मम्मी भी इसकी मम्मी की तरह भाग जाएगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हाँ हाँ पापा, ओ मैं नहीं बोला था इसको चलने के लिए, काफी दिन हो गए ना, चल लेता है भी हमारे साथ। रचित ऐसे पंगा कैसे ले सकता है? आजा आजा बैठ। अरे रचित भैया मैं बीच में बैठूंगा फैल के। अबे ढंग से बैठ लेना। अरे कहाँ गई मेरी बहन, कहाँ गई, तानी कितना इंतजार करके गई होगी, अब कैसे करूंगा मैं, राखी कैसे बंधेगी मेरे। अरे क्यों इतनी हबड़ तबड़ मचा रखी है, शांति से रहो ना, चलो अंदर चाय पानी पी लो पहले। अरे तुम्हें चाय पानी की पड़ी है, मुझे राखी बंधवानी है अपनी बहन से, यहाँ मेरा रक्षाबंधन पानी में घुल रहा है, कमाल कर रही हो तुम भी, फोन करता हूँ अपनी बहन को भी। फोन भी नहीं उठा रही मेरा, पता नहीं किस हाल में होगी। अरे अब रक्षाबंधन को सिर्फ 3 घंटे बाकी बचे हैं, तुम सबने मिलके मेरी बहन को नाराज किया आज। अब हो रहा है तुम्हारे पेट में दर्द, जब मैं हर साल अपने भाई को रात को राखी बांधती हूँ जाके या अगले दिन बांधती हूँ तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, आज फर्क पड़ रहा है। हाँ हाँ रक्षाबंधन तो मनाना है, एक काम करो तुम भी सब चलो साथ में। अरे पापा हम जाके क्या करेंगे, हमें बहुत थकावट हो रही है, आप जाओ। हम नहीं जाने वाले, हम क्या करेंगे? तुम्हारी वजह से मेरी बहन नाराज होके गई है, तुम सब चलो, ठीक से प्यार से बात करना, जाते बुआ जी नमस्ते प्रणाम पैर छूना, समझ गए, चलो तुम चलो। अरे वो बूंदी के लड्डू रखे हैं फ्रिज में, वो तो उठा लो। अरे लड्डू गए भाड़ में यार, राखी बंधवानी है, तुम चलो जल्दी आओ। चल ना देख रहा है, आजा बेटा आजा। हे रचित भैया ये आपकी बुआ का घर है? हाँ हाँ मेरी बुआ का घर है, चल। अरे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, कहाँ गए सारे? नमस्ते मामा जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते, बेटा तेरी मम्मी कहाँ है? मम्मी? आओ आपको मम्मी से मिलवाती हूँ, मम्मी ना आजकल एक्टिंग कर रही है। एक्टिंग? कैसी एक्टिंग बेटा? स्टैचू बनने की एक्टिंग। स्टैचू बनने की एक्टिंग, अरे चल के देखते हैं ना, चलो चलो। अरे जीजा जी नमस्ते, क्या हुआ मेरी बहन को? क्या हुआ? अरे तुम्हारी वजह से मेरी बीबी चुप हो गई और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और रक्षाबंधन पे गिफ्ट देने का तुम्हारा धन्यवाद, बहुत चपट चपट करती थी, जीना हराम कर रखा था 18 साल में, आज मेरे को लगा है कि मैं एक इंसान हूँ।
और मैं कुछ भी बोलता हूँ तो जवाब ही नहीं देती। अरे जीजा जी, कैसी बात कर रहे हो आप? ये बताओ मेरी बहन को हुआ क्या है? अरे मामा जी, मम्मी को कुछ हुआ नहीं है, सदमा लग गया है। सदमा? कैसा सदमा बेटा? अरे मामा जी, सुबह से लेके शाम तक मेरी मम्मी आपके गेट के बाहर खड़ी रही, वो भी एक हाथ में राखी और एक हाथ में प्लेट लेके। और मम्मी यही सोच रही थी कि जब मेरा भाई आएगा उसी को राखी बांधूंगी। और मामा जी आप आए नहीं, और ये बात मम्मी ने दिल पे ले ली और मम्मी को सदमा लग गया, और वहाँ से चार पड़ोसी घर छोड़ के गए हैं मम्मी को। अरे तो अब बुआ जी ठीक कैसे होंगी? अरे पानी लेके मुंह पे मार इनके, अब फिर भी ठीक ना हो तो गुलगुले की जुराब सुंगा दे। तू चुप कर, बकवास मत कर, मैं ही कुछ ट्राई करता हूँ। अरे बहन क्या हो गया? देख तेरा भाई आ गया। बहन जी, बहन उठ जा, देख मैं आ गया। बहन बहन उठ जा। बेटे क्या हो गया तेरी मम्मी को? देख बहन मैं आ गया, उठ जा। अरे बहन अब तो उठ जा, घंटी भी बजा ली। बहन बहन मैं आ गया, देख बहन राखी बंधवाने आ गया बेटे। अरे बहन उठ जा ना। पानी पानी के छींटे मारने चाहिए। बहन उठ जा, बहन जी देख मैं आ गया। अरे उठ जा बहन, अरे राखी बांध ले। ऐसे लेट हो गए बहन, तूने बहुत इंतजार किया मेरे को पता है, पर तेरा भाई आ गया ना, उठ जा बहन। ये तो उठ ही नहीं रही, कैसे उठेगी ये? अरे यार सब कुछ ट्राई कर लिया, ये तो होश में ही नहीं आ रही। अरे रुको रुको रुको, एक काम करता हूँ, मैं गाना सुनाता हूँ, मेरा गाना सुन के तो मुर्दे भी खड़े हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, तू रहने दे, मैं ना इनसे योगा करवाऊंगी, योगा में बहुत ताकत है, योगा से ही होगा। अरे बुआ जी सांस अंदर लो, अब छोड़ो, लंबी सांस लो। अरे छोड़ो ना, अरे बुआ जी करो ना, सांस अंदर लो, लो ना लंबी सांस अंदर। अरे यार कुछ भी नहीं हो रहा। और बल्ले राम दे। अरे रहने दो ना, क्यों कर रहे हो ऐसा? अगर कहीं सच में इसको होश आ गया तो। अरे अच्छी तो लग रही है ये, क्यों सुरभि बेटी, तुम्हारी मम्मी अच्छी लग रही है ना? अरे पापा मजा आ रहा है, चुप है मम्मी, वरना कुछ ना कुछ बोलती रहती है हमेशा। अरे एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वाइफ हियर, व्हेन डॉक्टर गुलगुला इज हियर। अबे तू डॉक्टर कब बन गया? अरे रचित भैया मेरे पास हर मर्ज का इलाज है। अरे लेकिन तूने ये सब सीखा कहाँ से? यूट्यूब से सीखा है भैया, आप भी कुछ सीख लो। मेरे डॉक्टरी के एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर कोई बंदा सदमे में हो तो उसे एक और सदमा दे दो, फिर वो सदमे से बाहर आ जाएगा। सदमे से सदमा टकराए जो भी हो अंजाम, ओ देखो देखो सब कुछ ठीक हो जाए जहाँ पे लिया जाए डॉक्टर गुलगुले का नाम। तू कहना क्या चाह रहा है, साफ साफ बता। अरे फूफा जी मैं बस ये कहना चाहता हूँ, ये सदमे में है ना, इनको एक और सदमा दे दो, फिर ये सदमे से बाहर आ जाएंगी। सदमा दे दो, पर वो कैसे? अरे आप सब इनको अपना एक एक राज बताओ ऐसा जो सुन के इनको सदमा लग जाए। अरे भाई मैंने तो पहले ही बता दिया, मैं तो इसके चुप होने पे बहुत ही खुश हूँ। जिस दिन से मेरी शादी हुई है ना, मेरी तो यही इच्छा थी, हे भगवान ये चुप हो जाए, और फाइनली ये चुप हो ही गई। अरे अंकल जी आपका सदमा इनको बिल्कुल पसंद नहीं आया, अब फूफा जी आप इनको कोई सदमा दो। वो बहन जी, हमने तेरी शादी में जो सोने के इतने सारे जेवर चढ़ाए थे ना, वो सारे नकली थे। अरे वाह मौज कर दी। क्या नकली थे? मुझे पता था मेरा साला एक नंबर का 420 है। सॉरी सॉरी जीजा जी। अरे फूफा जी आपका सदमा ना एक नंबर था, पर इनको कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। कोई नहीं, अब बुआ जी आप इनको कोई सदमा दो।
अरे ये मोटी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। इस मोटी की शादी मैंने 200 किलोमीटर दूर करवाई थी लेकिन फिर से मेरी छाती पे आके बैठ गई। अरे मैं तो कह रही हूँ ये मोटी मेरे से इतनी दूर चली जाए कि मुझे इसकी शक्ल तक ना देखनी पड़े। अरे सुन रही है? सुन ले, मैं तेरे को बोल रही हूँ तेरे को। अरे कान खोल के सुन ले। अरे खोल ले आंखें, तेरे को बोल रही हूँ मैं। अरे तू सदमा दे रही है कि अपनी भड़ास निकाल रही है? अरे बुआ जी, आपका सदमा भी ना इनको कुछ खास पसंद नहीं आया। अब रजत भैया आपको सदमा दो। अरे बुआ जी, आपको याद है 5 साल पहले आपको और फूफा जी को पुलिस घर से उठा के ले गई थी क्योंकि आपने पड़ोसी के घर में चोरी की थी। वो एक्चुअली ना पड़ोसियों को मैंने ही बताया था कि चोरी इन लोगों ने की है। क्या? अरे मेरा बेटा कितना सच्चा, मुझे पता है एक दिन तू पक्का दिल्ली का सीएम बनेगा। तूने मेरी बहन और जीजाजी को जेल भिजवाया? क्यों डांट रहे हो मेरे बेटे को? सही तो किया जो किया है ही ऐसी। होश में लियाओ अपनी बहन को। सुनो सुनो सुनो, एक राज और है। एक्चुअली वो चोरी ना इन लोगों ने नहीं करी थी, वो चोरी तो मैंने करी थी। अब देखो चोरी की है तो जेल तो जाना पड़ेगा ना। अब किसी ना किसी को तो जेल जाना ही था, तो मैंने इन पे ब्लेम डाल दिया और बुआ जी को और फूफा जी को जेल भी भिजवा दिया। उतरी, ये तो मेरा भी उस्ताद निकला, इससे तो बच के रहना पड़ेगा। अरे यार इन आंटी को तो कोई असर ही नहीं हो रहा। अश्वाती दीदी आपको सदमा दो। अरे नहीं नहीं यार, मेरे बस की नहीं है। मेरा ना योगा करने का टाइम हो गया और मैं जा रही हूँ योगा करने, तुम अपना देख लो। अरे यार ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर गुलगुला फेल नहीं हो सकता। एक मिनट, मुझे नहीं लगता कि सदमे की बात है, पर फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। बोल बोल बोल। मैं आजकल देख रही हूँ कि पापा ने पप्पी नाम की आंटी से ना रोज साइड में जाके फोन पे बात करते हैं। जब मैं गेम खेल रही थी तब मैंने देखा कि उनका मैसेज आया था, वो दिल और पप्पी भेज रही थी। फिर मैंने देखा कि पापा भी पप्पी आंटी को पप्पी भेजते हैं और पापा बोल रहे थे कि पप्पी मैं अपनी बीवी को डिवोर्स देके तुझसे शादी कर लूंगा और सारी घर जायदाद सब तेरे नाम कर दूंगा। बेटे, अरे वाह चलो तुम तो, वाह मौज कर दी, वाह बेटे वाह। क्या मम्मी? अरे बाहर में गई तेरी मम्मी। हे भगवान बचा ले। अरे पप्पी जी, आपकी नजर सिर्फ मेरे पे ही क्यों नहीं आती कभी? मुझे तो लगा है ये पप्पी करमजली की सुपारी देनी पड़ेगी, चांद देखिए वही आगे बढ़ जाती है। क्या पप्पी मामी, आप भी एक तो ये गुलगुला है ही और आप भी डेली के डेली नए नए गुल खिलाते हो। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya. Hey guys, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज यार लाइक कमेंट शेयर सब कर देना। देखो वीडियो थोड़ी और जल्दी आ जाती लेकिन आपको पता है डेटा वगैरह सब करप्ट हो गया था तो रीशूट करना पड़ा, पूरा शूट दोबारा करना पड़ा, इसलिए से थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो लाने के लिए। लेकिन देखो एनी हाउ वीडियो आई, लेट आई और मस्त वीडियो आई, ठीक है। तो अपना लॉकडाउन विद कजन का जो फर्स्ट सीजन था ना उसका ये सेकेंड सीजन मैंने बनाया है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि थर्ड सीजन लेके आऊं तो इस वीडियो पे 300,000 लाइक कर देना फटाफट से, उसके बाद सोचूंगा कि थर्ड सीजन लेके आना है या नहीं, ठीक है। और कमेंट करो अपना फेवरेट पार्ट क्या लगा आपको, पूरे दोनों एपिसोड्स में से सबसे फेवरेट पार्ट कौन सा लगा। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना फटाफट से, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स करा दो। बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, बाय गाइज।